Assalamualaikum students, we start our first lecture of mathematics from grade 5. Open your books, page number 1. आज हम read करेंगे, start करेंगे unit number 1, जो है numbers and arithmetic operations. इस chapter में हम पढ़ेंगे 1 million numbers, less than, more than, predecessor, successor, multiply, divide. अब page number open करें 3. आज हम start करेंगे exercise 1.8. इससे पहले हम इंटरनेशनल चार्ट के बारे में पढ़ेंगे. इंटरनेशनल चार्ट में 4 ग्रुप्स हैं. फर्स्ट ग्रुप यूनिट्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस. जब सिंगल डिजिट होगा तो वो यूनिट. सेकंड, अगर 2 डिजिट्स होंगे तो वो टेंस और फिर 100. यूनिट, टेंस और 100 मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे जो होगा यूनिट्स. देन थाउजेंड, 10,000, 100,000. ये तीनों मिलकर जो ग्रुप बनाएंगे वो होगा थाउजेंड्स. नेक्स्ट मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ये तीन मिलकर जो ग्रुप बनाएंगे वो होगा मिलियंस. नेक्स्ट बिलियन. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.8, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट है इन द इंटरनेशनल सिस्टम. 1 मिलियन इज आर डैश डिजिट नंबर. इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन कितने डिजिट नंबर होंगे. इसके लिए हमें 1 मिलियन लिखना होगा. स्टार्ट करेंगे यूनिट, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, 100,000, 1 मिलियन. अब हम ये डिजिट काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 1 मिलियन में कितने डिजिट हैं? 7. हम 7 लिख देंगे. आगे बी पार्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन 5299287. वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक अमाउंट दी है और एक डिजिट के ऊपर रिंग है. वो पूछ रहे हैं रिंग डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है. उसके लिए हम यहाँ से राइट साइड से काउंट करेंगे. यूनिट, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन. तो ये हो गया मिलियन. और मिलियन क्या है? 5 मिलियन. क्योंकि रिंग डिजिट जो है वो 5 है. इसका मतलब है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 5 मिलियन. आगे सी, कंप्लीट द सीक्वेंस. कह रहे हैं सीक्वेंस कंप्लीट करें. उन्होंने तीन अमाउंट्स दी हैं और एक दरम्यान में ब्लैंक दी है और कहा है सीक्वेंस कंप्लीट करें. फर्स्ट हम देखेंगे 3503018 6. अगर आप सेकंड में देखें 3503028 6. नेक्स्ट उन्होंने ब्लैंक दी है और फिर दिया है 3503048 6. ब्लैंक दिया. अगर आप गौर से देखें तो लास्ट डिजिट है 186 और नेक्स्ट वाले में है 286. नेक्स्ट ब्लैंक है, उसके बाद 486. अगर आप देखें तो इनमें 100 100 स्किप किए हुए हैं. 186 286 3 स्किप ब्लैंक दी हुई है और उसके बाद 486. तो दरमियान में क्या आएगा? 2 के बाद क्या आता है? 3. तो इसका मतलब है नेक्स्ट क्या आएगा? 386. तो हम लिखेंगे 3503038 6. नेक्स्ट डी, द नंबर 50,000 मोर देन 2618355500. जहाँ पर बेटा मोर देन का वर्ड आ जाए इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर ऐड करना है. वो कह रहे हैं एक अमाउंट दी है आपको और कह रहे हैं अगर 50,000 इसमें मोर किया जाए, मोर देन यानी कि ऐड किया जाए तो क्या अमाउंट आएगी. इसके लिए हम इसको साइड पर सॉल्व करेंगे. 8 3 2 6 1 8 3 5 500. इसमें हम करेंगे ऐड 50,000, 0 0 0 0 5. इसको ऐड करना है और लिखेंगे, इसको आगे ऐड करेंगे. 0 में 0 प्लस किए 0, 0 में 0 प्लस किए 0, 5 में 0 प्लस किए 5, 5 में 0 5, 5 में 3 प्लस करेंगे 8 के नीचे कुछ नहीं है, 8 वैसे ही आ जाएगा. 1 6 2. तो अमाउंट जो हमारे पास आई है वो है 2618855500. यानी कि इस अमाउंट में जब हमने 50,000 ऐड किया
तो 2618855000। नेक्स्ट ई है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 9813141100। इसमें उन्होंने आपको रिंग नहीं करके दिया, लेकिन आपको आपसे पूछा है कि जो इसमें वर्ड है 9, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो हम स्टार्ट से करेंगे यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। 100 million का मतलब है, उन्होंने 9 का पूछा है, इसका मतलब है ये क्या होगा, 900 million। तो लिखेंगे 900 million। आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। वो कह रहे हैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स, कौन सी ठीक है और कौन सी गलत, और उसके आगे हम लिखेंगे। ए है एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक उन्होंने आपको एक अमाउंट दी है और पूछ रहे हैं क्या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक इनके दरमियान में स्पेस ठीक दी गई है। तो हम चेक करेंगे यूनिट, टेंस, 100, ये एक ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप 1,000, 10,000, 100,000, ये आप चेक करेंगे, ये 1,000 का ग्रुप हो गया। मिलियन, 10 million, 100 million, ये मिलियन का ग्रुप हो गया। और नेक्स्ट बिलियन, इसका मतलब है इन्होंने स्पेस बिल्कुल ठीक दी है, तो ये क्या स्टेटमेंट होगी, ट्रू। इसके आगे हम लिख देंगे ट्रू। आगे उन्होंने कहा है द नंबर 200 लेस देन, आगे उन्होंने एक अमाउंट दी है और कहा है कि अगर इसमें से 200 लेस देन, लेस देन का मतलब होगा माइनस, ऊपर मोर देन था इसका मतलब था ऐड, नीचे है लेस देन इसका मतलब है माइनस। उन्होंने अमाउंट दी है और पूछा है अगर हम इसमें से 200 लेस कर देंगे तो क्या ये अमाउंट आएगी। तो इसको हम चेक करेंगे, लिखेंगे 4,2,6,9,8,2,10, इसमें से हम माइनस करेंगे 200, जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो, वन में से जीरो माइनस किया वन, टू में से टू माइनस किया जीरो, 8,9,6,2,4। तो देखेंगे जो अमाउंट उन्होंने दी है क्या ये सेम है, 4,2,6,9,8,200, लेकिन यहाँ पर 0,1,0 है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो है गलत है, तो इसके आगे लिख देंगे फॉल्स। आगे है सी, वो कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 million। क्या स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर जो होंगे वो 10 million होंगे, तो हम स्मॉलेस्ट 9 डिजिट्स लिख के देखेंगे क्या वो 10 million है। स्मॉलेस्ट 9 डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 1, और आगे उसके आगे 8 0 होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम चेक करेंगे क्या ये 10 million है। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, लेकिन ये तो 100 million है, 100 million। तो उन्होंने कहा है क्या आप ये 10 million है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग, तो लिखेंगे फॉल्स। आगे डी है द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन 7819315 6। उन्होंने आपको एक अमाउंट दी है और पूछा है वन जो है उसको रिंग किया हुआ है, वो पूछ रहे हैं जो डिजिट वन है क्या उसकी प्लेस वैल्यू 100,000 है। तो हम चेक करेंगे यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000। तो उन्होंने पूछा है क्या इसकी प्लेस वैल्यू 100,000 है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, तो इसके आगे लिखेंगे ट्रू। आगे ई है इन द इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में इस अमाउंट को इज रिटन एज, वो कह रहे हैं ये जो अमाउंट दी है क्या इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो चेक करते हैं, यूनिट, टेंस, 100, ये एक ग्रुप हो गया। आगे 1,000 का ग्रुप स्टार्ट होगा, 1,000, 10,000, 100,000, 10,000, 100,000, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है, इसका मतलब है ये रॉन्ग है, ये 4 वर्ड्स नहीं आ सकते, 1,000 में कितने वर्ड्स होते हैं, 3, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और आगे उसके 4-4 ऑप्शंस दिए हैं, हम उसमें से करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करेंगे। ए है 3,735,205 इन फिगर इज,
उन्होंने स्टेट आपको बताई है नंबर्स में और पूछ रहे हैं कि नंबर्स में किस तरह से लिखा जाएगा। स्टार्ट देखिए 3 मिलियन से है, हम चेक करेंगे सब ऑप्शन में कि 3 मिलियन किस में है। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000। आगे सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, लेकिन ये 1,000 वाले ग्रुप में 4 वर्ड्स हैं, इसका मतलब है ये ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड वाला चेक करेंगे, यूनिट, टेंस, 100, ये यूनिट वाले जो है ग्रुप में 2 हैं, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। आगे फोर्थ वाला चेक करेंगे, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, अगर आप देखें तो 1,000 वाले ग्रुप में 2 हैं, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी गलत है। फर्स्ट वाला कंप्लीट चेक करेंगे, 3,735,000, 735,000, 205, 205, तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, इसको टिक कर देंगे। आगे है बी, इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट TM means, वो पूछ रहे हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में TM का मतलब क्या है। तो TM का मतलब होता है 10 मिलियन, तो इसमें से ऑप्शन चेक करेंगे, 10 मिलियन, 2 मिलियन, 1,000,000, 1,000,000, तो इसका करेक्ट आंसर है 10 मिलियन। आगे सी है, 200 मिलियन इज अ, 200 मिलियन जो हैं वो कितने डिजिट नंबर होंगे, 7 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, तो हम 200 मिलियन को लिख के लिखेंगे। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, तो 200 मिलियन है, अभी हम मिलियन पर हैं, 10 मिलियन, और ये 100 मिलियन नेक्स्ट होगा तो वो है 200 मिलियन। अब हमने 200 मिलियन लिख लिया है, अब हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 डिजिट हैं करेक्ट। इसमें से ऑप्शंस में हम चेक करेंगे, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 5 डिजिट, तो 9 डिजिट वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसको टिक कर लेंगे। वो कह रहे हैं पेज नंबर 4, उसका डी पार्ट है, विच ऑफ द गिवन नंबर मैच विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। उन्होंने हमें एक्सपेंड फॉर्म दी है और कह रहे हैं कौन सा नंबर जो है इसके साथ मैच करेगा। बेटा एक्सपेंड फॉर्म का मतलब होता है किसी भी नंबर को अच्छे तरीके से वाजह कर देना, उसको डिवाइड कर देना, उसके अंदर हर नंबर के अंदर पता चल रहा हो कि कौन सा वंस है, कौन सा टेंस है, कौन सा 100 है, कौन सा 1,000 है, हर चीज़ को वाजिया कर देना। अब हम चेक करेंगे, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, तो ये है 6 मिलियन। इसमें हम 0 को जो है निगलेक्ट करेंगे और फर्स्ट वर्ड लेंगे 6। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 56,000 मिलियन के बाद 56,000, लेकिन यहाँ पर 100,000 की एक चीज़ मिस है, तो वो हम उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 0। जब कोई चीज़ मिस होगी तो इसका मतलब है उसकी जगह पर लिखेंगे 0। अगर 56,000 है, 56 लेंगे और 0 को निगलेक्ट कर देंगे, 56 लिखेंगे। नेक्स्ट, यूनिट, टेंस, 100, तो क्या लिखेंगे, 700 का 7 लेंगे और 0 को निगलेक्ट कर देंगे। आगे 20, 0 को निगलेक्ट करेंगे और लिखेंगे 2। नेक्स्ट 5, तो 5 लिखेंगे। अब हम करेक्ट ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा है, 6, 0, 5, 6, 7, 2, 5, तो वो है ये सी पार्ट, इसको हम टिक कर देंगे। आगे ई ऑप्शन, ई स्टेटमेंट, उन्होंने हमें एक नंबर दिया है और कह रहे हैं रिटर्न इन द इंटरनेशनल सिस्टम, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें, यानी कि स्पेस दे देकर, तो हम चेक करेंगे, यूनिट, टेंस, 100, ये हो गया यूनिट का ग्रुप। नेक्स्ट भी चेक करेंगे, 1,000, 10,000, 100,000, ये 1,000 का ग्रुप। नेक्स्ट मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये मिलियन का ग्रुप, और 9 ये बिलियन, तो देखें के बाद उसके बाद जो 9 बच गया वो क्या होगा, बिलियन। तो अब हम चेक करेंगे कि इस स्पेस के साथ किस ऑप्शंस में लिखा हुआ है, तो वो है सी, सी है करेक्ट ऑप्शन, उस पर टिक लगा देंगे।